अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। यूपी में मासूम बच्चों से दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हाथरस गैंगरेप की घटना के बाद एकाएक तेजी से मामले उजागर हो रहे हैं। हाथरस कांड पर यूवी लैंप पे एसिड फास्फेटिक जांच में भले ही दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया गया हो, लेकिन माहौल में आई गर्मी में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। कांग्रेस समेत प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह तलाश कर रही राजनीतिक पार्टियों के मैदान में उतरने से माहौल और गर्मा गया है। बलरामपुर की घटना ने प्रदेश सरकार के जख्मों को और कुरेद दिया है। इस बीच बीती रात मेरठ में भी एक बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। हाथरस कांड में जिस तरह पुलिस व प्रशासन की भूमिका लीपा पोती कर रही है, उसने एक बार की पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने पीड़िता के शव को बिना परिजनों की मौजूदगी, सहमति व रीति रिवाज को दरकिनार कर शव को फूंक डाला। मीडिया को भी दूर ही रखा गया। इसने आग में घी का काम किया। इन सब घटनाओं के बीच मेरठ के थाना लेसाड़ी गेट के फतेहल्लापुर अलीबाग क्षेत्र में एक 7 साल की बालिका को मकान मालिक के एक रिश्तेदार ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची को रोता छोड़कर युवक भाग निकला। गंभीर बात यह भी है कि दुर्व्यवहार करने वाला भी नाबालिग ही है। सूचना पाते ही पुलिस व प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में बता रहे हैं पीड़ित। मेरी भतीजी के साथ 7 साल की बच्ची के साथ रेप करा है। किसने किया है, क्या करता है? जहाँ पर हमारी भाभी किराए पर रहती है, उन्हीं के बराबर में एक किराए पर रहती है, उसके भांजे ने ये काम किया है। मैं दिल्ली था, बाहर गया हुआ था, अभी आया मैं 7:30 बजे बाहर से, तो मुझे आते ही पता चला ये मामला हो गया। मैं फौरन आया। किस तरीके से किया, मतलब आ कह रहे थे बेला फुसला के लेके? हाँ, वो टॉर्च के बहाने दिखाने के लिए कि टॉर्च दिखा दो। वो बच्ची थी, छोटी सी, चली गई उसके साथ। अब अंदर जाने के बाद कमबख्त ने इस काम को किया। क्या लेने गई थी वो घर पे? उनके उनके घर पे नहीं, वहीं पे किराए पे रहती थी। वो रिपोर्ट लेने बता रहे थे। हाँ, वो रिपोर्ट लेने के लिए गया था लड़का। उसकी खाला ने भेजा था उसे कि जाओ तुम मेरे घर कमरे पे से रिपोर्ट ले आओ। वो रिपोर्ट लेने जैसे गया तो वहाँ हमारी भतीजी थी छोटी सी, उसने उनसे कहा कि मुझे टॉर्च दिखा देना अंदर को। अंदर को टॉर्च दिखाने के बहाने से ले गया और उसके साथ बदतमीजी की। अब कहाँ है? अब प्यारे लाल में देखो चीख पुकार किस कदर। वो कहाँ है अभी? वो लड़का तो फरार है। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट की आपने? पुलिस में कंप्लेंट होगी, पुलिस वाले ही लेके आए थे। वो 16 नंबर वाले जो यहाँ पे आए थे वो बता रहे महल्ले वाले कि वही लेके गए यहाँ से, गाड़ी में बिठा के उसकी माँ को भी और हमारी यानी कि भाभी को भी और भतीजी को भी। आया हूँ, क्या नाम है, कहने लगा क्या नाम जी की मोबाइल का टॉर्च। नाम है उसका याद आपको? नहीं, नाम हम नहीं। कौन था? वो कह रहा था कि मैं नज्जो का भांजा हूँ, रिपोर्ट लेने आया हूँ। अच्छा, वो रिपोर्ट लेगा क्या नाम? बाहर खड़ा होकर यहाँ कहने लगा क्या नाम जी की बाजी मुझे तुम दिखा दो मोबाइल जरा टॉर्च, और क्या नाम जी की मैं ताला लगा दूंगा। और मैं कहने लगी भैया मैं तो अपना क्या नाम बोतल धोकर रोटी बनाने जा रही है, और किसी बच्चे से दिखवा लो। तो बच्चे यहाँ खेल रहे थे, इनकी बहन है वो इरम नाम है लड़की का, उसे बुला के कहा टॉर्च दिखा दो मुझे। वो लेके गया, फिर क्या नाम जी की मैं बर्तन धोने लगी, जैसे उसकी चीखने की आवाज़ आई मैं जब गई। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह ने यह जानकारी दी। लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज शाम लगभग 8:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संदर्भ में, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का मेडिकल कराते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की उम्र लगभग 16 वर्ष है। इसके संदर्भ में आवश्यक विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।